अब मैं जमजम रामनगरी साहब से गुजारिश करती हूं कि वो आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और मैं उन्हीं के शेर से उन्हीं को दावत सुखन देती हूं कि यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक ख़जाना है, यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक ख़जाना है, इसी मिट्टी में आए हैं, इसी मिट्टी में जाना है। कला का केंद्र है काशी, इस पर आप गौर करिएगा, शेर उनका है लेकिन दाद मुझे दीजिए, ढूंढा मैंने है। कला का केंद्र है काशी, यहीं बनती है वो साड़ी, कला का केंद्र है काशी, यहीं बनती है वो साड़ी, मुसलमान जिसका ताना हिंदू जिसका बाना है, मुसलमान जिसका ताना हिंदू जिसका बाना है। समझम रामनगरी। कुछ पुराने कतात नए श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। इसमें कई शख्सियात ऐसी हैं जिनका मैं बहुत ही दिल से सम्मान करता हूँ। हमारे शिक्षक संघ के नेता प्रमोद मिश्रा जी, पीएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब प्रभास जी, मधुकर जी, ये ऐसी शख्सियतें हैं जो अपने आप में कई बड़े मुशायरों की तरह हैं। अगर ये किसी महफिल में शामिल हो जाएं, तो पढ़ने वाला ये समझता है कि मैं लाखों के मजमे को सुना चुका हूँ। जमजम भाई वक्त का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा तारीफ कर लेंगे। नहीं मैं, अब मैंने कहा बिना तमीज के आप शुरू कीजिए। कि कब महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, वाह क्या कुर्सी ना मालो जर ना मका चाहते हैं हम, कब महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, कुर्सी ना मालो जर ना मका चाहते हैं हम, कि हम अहले दिल हैं, हम हैं खरीदार प्यार के, अपने वतन में अमनो अमा चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात, अपने वतन में अमनो अमा चाहते, अमनो अमा चाहते हैं हम, कि जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों का पुराना दे दो। जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों का पुराना दे दो, कि जिसमें नफरत के नहीं प्यार के नगमे गूंजे, कुछ न दो हमको वही पिछला जमाना दे दो। वाह क्या बात है, कुछ न दो कुछ, अरे बहुत ताकत से ये शायरी हुई है, पढ़ भी अच्छा रहा हूँ, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वतन पे ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने पर जमीनों आसमां क्या सुबह शाम रोने लगे। वाह, वतन पे ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने पर जमीनों आसमां क्या सुबह शाम रोने लगे, कि तुम्हारा गम न हो महदूद घर के लोगों तक, फकीर शाह कलंदर गुलाम रोने लगे। वाह क्या बात है, फकीर शाह कलंदर, तुम्हारा गम न हो महदूद घर के लोगों तक, फकीर शाह कलंदर गुलाम रोने लगे, के भरे शहरों को, प्रमोद जी ये सुन लीजिए, कि भरे शहरों को जंगल मत बनाओ, समझ वालों को पागल मत बनाओ, भरे शहरों को जंगल मत बनाओ, समझ वालों को पागल मत बनाओ, ये भारत देश है धर्मों का संगम, इसे धर्मों का दंगल मत बनाओ। वाह क्या बात, इसे धर्मों का दंगल मत बनाओ, कि तुम्हारी तरह, ये चार मिसले पाकिस्तान के लिए है, कि तुम्हारी तरह तो हमको अदाकारी नहीं आती, कि हम सब भारतीय हैं हमको मक्कारी नहीं आती, तुम्हारी तरह तो हमको अदाकारी नहीं आती, कि हम सब भारतीय हैं हमको मक्कारी नहीं आती, कि वतन पर जान दे देते हैं और उफ तक नहीं कहते, मियां हम शेर हैं शेरों को गद्दारी नहीं आती। वाह क्या बात, मियां बहुत वतन पे जान दे देते हैं और उफ तक नहीं कहते, मियां
हम शेर हैं? शेरों को गद्दारी नहीं आती। किसी को जबर करने की, सितम ढाने की आजादी, किसी से छिन गई रोने की चिल्लाने की आजादी, किसी को जबर करने की, सितम ढाने की आजादी, क्या बात? किसी से छिन गई रोने की चिल्लाने की आजादी। अजब क्या है जो एक दिन शायरों पे टैक्स लग जाए, अजब क्या है जो एक दिन शायरों पे टैक्स लग जाए, गजल गालों में आ जब तक कि है गाने की आजादी। वाह, गजल गालों में आ जब तक कि है गाने की आजादी। हाय अफसोस कि जिस दिन से हम आजाद हुए, सख्त वहशी हुए, कातिल हुए, जल्लाद हुए। हाय अफसोस के जिस दिन से हम आजाद हुए, सख्त वहशी हुए, कातिल हुए, जल्लाद हुए, कि थे तो अंग्रेज भी जालिम मगर उनके शागिर्द अपने उस्ताद के उस्तादों के उस्ताद।